हे गाइस, व्हाट्स गोइंग, कैसे हो दोस्तों आप सब। तो काफी दिनों बाद आपके पास आया हूँ आज वीडियो लेके। और आज के इस वीडियो पे मैं आपको अपाची RTR 160, आप देख रहे होंगे मेरी जो बाइक है, आज इस पे हम आपको दिखाएंगे कैसे जो है हम गियर मतलब इंजन ऑयल को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे मेरे पास अभी जो इंजन ऑयल है ये TVS का इंजन ऑयल है, और ये जो है 10W30SL सिंथेटिक ऑयल है, और करीब करीब ये जो है 6,000 किलोमीटर तक वो करता है। आपको जल्द से जल्द चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बाहर से फिलिंग करते हैं तो आपको 2,000 या 3,000 किलोमीटर में चेंज करनी पड़ती है, बट इसको आप परचेस कर सकते हैं बाहर से भी, जो 6,000 किलोमीटर तक भी चल सकता है। ठीक है, तो ये जो ऑयल है ये 6,000 किलोमीटर तक चल सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसको आगे भी आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसमें तो यही अभी जो है ये वाला ऑयल जो है मैं अपनी अपाची RTR 1 में फिलिंग करूंगा। कैसे फिलिंग करना होगा, आप घर पे भी फिलिंग कर सकते हैं। कुछ स्पेशल टूल की रिक्वायर होती है, वो टूल आप मार्केट से ले आना और आप घर पे भी इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, मार्केट में चेंज करने में ये दिक्कत होती है कि वो जो रेट है पूरा रेट लेते हैं, बट ये जो डब्बा है पूरा डब्बा नहीं फील करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, नहीं ध्यान दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज का नोटिस करना। अगर ये 1.2 लीटर का अगर आपका कैन है, ठीक है, आपने पेमेंट तो पूरा कर दोगे 1.2 लीटर का, बट आपके बाइक में उतना नहीं आता। जैसे मेरे पास अपाची RTR 160 है, इसमें लमसम 1 लीटर जो है फिलिंग होगा, इससे ज्यादा इस पे नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एक लेवल होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से चेक करना होता है लेवल इसका, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आप सोच रहे होंगे यार क्या वीडियो बना रहा है, ये तो सबको आता है, आसान काम है, बट कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो सबको नहीं पता होता है, इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना इसके लिए भी एक वीडियो बना दूँ। बाय द वे, मैं तो फिलिंग करते रहता हूँ, बट आज मैं सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे फिलिंग करना होता है, और वीडियो पर बने रहेगा। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना जाने से पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ऑयल चेंज करने के लिए सबसे पहले जो इसमें ऑयल होगा उसको आपको ड्रेन करना होगा। तो आप गाड़ी के जहाँ पे इंजन फिलिंग होती है, जहाँ पे इंजन होता है, वहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक डेड प्लग दिया हुआ है, इस डेड प्लग को आप ओपन करेंगे जैसे, तो यहाँ से ऑयल अभी रिमूव होगा। मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ से हमें पहले ऑयल को पूरा रिमूव करना होगा, तभी हम इसको फ्रेश ऑयल, यहाँ पे नया ऑयल जो है हम इसमें फिल करेंगे। ठीक है, और फिलहाल ये देख रहे होंगे ये जो इसके अंदर एक एयर गार्ड लगा हुआ था, इसको मैंने ओपन कर दिया, क्योंकि जो मेरे पास टूल था एक रिंग स्पैनर बोलते हैं जिसको, इसको लिए आपको भी जरूरत होती है। तो ये रिंग स्पैनर और कुछ टूल की जरूरत पड़ेगी, जैसे ये ले आना आप, इस मार्केट में मिल जाएंगे, 16-17 की चाबी लगेंगे इसमें, और एक पेचकस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये पेचकस भी ले लेना आप मार्केट से। ठीक है, ये दो चीज की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आपके बाइक में ये गार्ड अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मुझे दिक्कत हो रही थी तो मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने से एक और फायदा हुआ कि काफी सालों से ये गंदगी भरी हुई है, अब इसको भी मैं साफ कर दूंगा पूरी, आप देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये बंद रहता है तो यहाँ पे क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो इसको भी मैं क्लीनिंग करने से एक फायदा ये भी हो जाता है कि अगर आप घर पे फिलिंग करते हो तो इसको अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप बाहर चेंज करते हो तो उनके पास स्पेशल टूल्स होते हैं, वो खोल के वहीं से इजिली क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ लेवल का। सो फ्रेंड्स, जिस साइड में आपका ब्रेक होता है, इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंजन है और यहाँ पे एक प्लगिंग दिया हुआ है, इस प्लग को ओपन करना होता है। तो इसके साथ एक पीस निकलेगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको पूरा ओपन करके। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ओपन होगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे बॉटम साइड में, तो यहाँ पे अगर ये देख रहे होंगे बिल्कुल यहाँ पे ऑयल दिख रहा होगा आपको, यही मार्किंग होता है इसका, मतलब हाई लेवल और लो लेवल का। देखिए यहाँ पे अगर नीचे साइड में है तो ये लो लेवल है, अगर ऊपर साइड में है तो ओके है। तो ये आपका ऑयल चेक करने का होता है, तो इससे हम ऑयल चेक करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम नया फ्रेश ऑयल इसमें भरने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा 6,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुका है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जो मैंने गियर सेट किया हुआ है, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा आपको, मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो है, मैं अभी आपको ट्रैप चेंज करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मेरी गाड़ी जो है 7,231 किलोमीटर चल चुका है। अब मैं इस गियर ऑयल को चेंज करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप भी गियर ऑयल मार्केट से ले सकते हैं जो ज्यादा किलोमीटर तक चलता हो, क्योंकि अगर आप बाहर से चेंज करते हैं वो जो है सिंपली आपका 2,000 या 3,000 किलोमीटर में चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिंथेटिक ऑयल लेके आते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए TVS 2.4 सिंथेटिक अल्ट्रा स्मूथ बाइकिंग, ठीक है, 10W30SL है, हाई परफॉर्मेंस इंजन ऑयल, और ये इसका मॉडल कुछ मैन्युफैक्चरिंग पैक्स वगैरह है यहाँ पे। तो ये वाला ऑयल जो है आपको 6,000 किलोमीटर से ऊपर भी आप चला सकते हो, बट मेरा सजेशन ये रहेगा 6,000 किलोमीटर तक ही चलाए तो बेटर रहेगा, बट इसको अगर 8,000 तक भी चला लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको गाड़ी पे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम इसको ड्रेन कर लेते हैं, जो अपना ऑयल है इसके अंदर फिलिंग, उसको हम फटाफट ड्रेन कर लेते हैं। और ड्रेन करने के लिए एक बॉकेट सा ले लेंगे हम, बॉकेट पे जो है इसको ड्रेन करेंगे। ठीक है, तो ये ले लिया है मैंने बॉकेट, अब इसका मैं ढक्कन खोल लेता हूँ, ढक्कन खोल के जो है मैं यहाँ पे ड्रेन कर लेता हूँ। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो है बॉकेट लगा दिया है एक छोटा सा, और यहाँ पे ऊपर एक नट है। इस नट को हम स्मूथली धीमे धीमे खोलेंगे, इसके नीचे इस बॉकेट को रखेंगे ताकि जो भी हमारे इसके अंदर ऑयल है वो इसमें कलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये मैं अभी एक नट यहाँ पे खोल रहा हूँ, शायद आपको दिख ना रहा हो। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ये नट, और ये जैसे मैंने खोला और यहाँ से देख रहे होंगे ये जो है ऑयल आना शुरू हो गया इसके अंदर। और अभी लेट्स सी देखते हैं कितना ऑयल आता है। यहाँ पे फिल हो रहा है अभी ऑयल, देखिए यहाँ पे ऑयल जो है फिलिंग हो रही है अभी। तो ये बकेट मुझे लग रहा है छोटा पड़ जाएगा। नहीं कोई बात नहीं है, बकेट के अंदर जो है पूरी आ चुकी है हमारी, तो हाथ भी थोड़े से बहुत गंदे हो गए हैं। तो फटाफट मैं हैंड को क्लीनिंग कर लेता हूँ, फिर अभी इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से ड्रेन होने देते हैं। ड्रेन होने के बाद जो है इसमें नया गियर ऑयल हम इसमें फिल करेंगे। तो बहुत ही इजी होता है, आप घर पे भी चेंज कर सकते हो गियर ऑयल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ आपको स्पेशल टूल की रिक्वायर होती है, ये एक चाबी की रिक्वायर होती है। 16-17 की चाबी लगती है ऑलमोस्ट हर बाइक पे, हो सकता है आपके भी थोड़ा चेंजेस हो, बट 16-17 की चाबी लगती है। एक आपको स्क्रू ड्राइवर की हो सकती है जरूरत पड़े, क्योंकि मेरे को तो मेरा जो ये एयर कूलर था इसके वजह से जो है मेरे को ये जरूरत पड़ी, क्योंकि वो मेरा रिंग पाना यहाँ पे लग नहीं रहा था। और इसके वजह से एक फायदा और हो गया कि यहाँ पे मैं क्लीनिंग भी कर सकता हूँ अब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा ड्रेन हो चुका है। अभी मैं आपको फिलिंग का भी प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे फिलिंग करना होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑयल कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। अब हमें डेड ब्लॉक को यहाँ पे लगाना होगा, तो हम वापस डेड ब्लॉक को लगाते देते हैं यहाँ पे। और ये हमने डेड ब्लॉक को यहाँ पे लगा दिया है वापस। और अब क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और फिल करेंगे, फिर थोड़ा सा ड्रेन कर देंगे ताकि एक फ्रेश ऑयल यहाँ पे हमारा हो सके। ठीक है, तो चलिए उस साइड चलते हैं जिधर को फिलिंग करना होता है। मैंने आपको दिखाया था किस साइड से फिलिंग करना होता है, तो हम फटाफट उस साइड पहुंच जाते हैं। तो बाइक के हमेशा राइट साइड में जिधर को आपका ब्रेक होता है वहां से फिलिंग होती है। तो यहाँ पे अभी हम इसको कैप को यहाँ से रिमूव करेंगे और इसको इस तरीके से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो है ऑयल को हम फिल करेंगे, और अंदर से जो है थोड़ा सा जो कालापन जो अभी निकला है ऑयल जो हमारा, उसको हम थोड़ा सा साफ करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑयल फिल करेंगे। ठीक है, हमने ऑयल थोड़ा सा यहाँ पे फिल कर दिया है, अब इसको हम ड्रेन करेंगे वापस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वापस उसको ड्रेन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, वापस जो है ये जो अपना ड्रेन वाला जो पीस है इसको हम बराबर तरीके से टाइट कर देंगे, और उसके बाद ऑयल जो है अब हम फिलिंग कर देंगे। वापस जो है हम चाबी से इसको बराबर तरीके से जो है टाइट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरा फुल टाइट कर देना ताकि आपका यहां से ऑयल लीकेज ना हो। इस तरीके से हम पूरा इसको फुल टाइट कर देते हैं। ये हो चुका है हमारा पूरा फुल टाइट, अब इसमें हम पूरा ऑयल को फिल करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल फिल किया था, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमारा गिर गया है, क्योंकि हमारे पास फनेल नहीं है। ठीक है, तो आज हम आपको एक तरीका बताएंगे, अगर आपके पास फनेल नहीं है तो ऑयल को कैसे भरना होता है। एक ये भी ट्रिक्स है, आप अपनी उंगली की मदद से भी एक फनेल बना के आप ऑयल को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना होगा आपको, आपको सिंपली एक ऐसे उंगली रखना होगा उसके सामने, और आपको जो ऑयल है वो उंगली पे गिरानी होगी। ठीक है, तो ये देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से जो है आपका एक फनेल का काम करता है ये उंगली भी, और यहां से आपका ऑयल भर रहा होगा। देखिए, आपको अगर दिख रहा हो तो साफ, अगर नहीं दिख रहा हो तो दोस्तों कैमरा के सामने अगर आप आ रहे हो तो चलो कोई बात नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ एंगल देने की। अगर आपको दिख रहा हो तो एक्चुअली मेरी हैंड भी आ रही होगी तो आपको पूरी तरह से नहीं दिख रहा होगा। चलो मैं इस साइड से कोशिश करता हूँ, तो पता मैं कैमरा को पोजिशन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजिली समझ पाओ आप जो चीज मैं दिखाने जा रहा था, आप शायद आपको दिख जाए। तो इस तरीके से आप फनेल का यूज कर सकते हैं, अगर आपका ऑयल गिर रहा हो तो इस तरीके से देखिए, आप इस तरीके से फिलिंग करेंगे तो सीधा इसके अंदर जाएगी हो, और कोई जो आपका ऑयल है वो बिल्कुल बर्बाद भी नहीं होगी। तो ये 1.2 लीटर के अप्रोक्स है, तो हमें अप्रोक्स 1 लीटर इसमें फिल करना है, ज्यादा नहीं फिल करना है, थोड़ा सा इसमें से बचा के रख लेना है, क्योंकि इसमें जो है 1 लीटर ही जाएगा इसमें। अगर आपको पता हो तो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे देखिए 1000 ml लिखा हुआ है, तो इससे ज्यादा नहीं हमें यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से अप्रोक्स अभी 1000 ml नहीं गया है, अभी और थोड़ा सा इसमें भरना होगा हमें। तो इसमें हम थोड़ा सा अभी और फिल कर देते हैं।
शायद मे भी मेरे ख्याल से शायद हो गया हो, अभी भी इतना बचा है तो मे भी मेरे ख्याल से हो गया हो। एक बार हम इसको इससे नाप के देख लेते हैं कि हमारा जो है ऑयल पूरा लेवल पे है कि नहीं है। ठीक है, तो वेट कीजिए, अभी मैं इसको साफ कर लेता हूँ पहले कपड़े से, कॉटन की मदद से, और फिर इसको हम लगा के देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हमने इसको पूरा साफ कर लिया है और इसको अब हम इस पे लगा के देख लेते हैं। ये कर दिया हमने पूरा टाइट। अब इसको हम ओपन करेंगे वापस, यहां से हमें इसका लेवल पता चल जाएगा कि जितना हमें चाहिए था ऑयल उतना ऑयल आया है, नहीं आया है, कम है या ज्यादा हो गया है। तो यहाँ से अभी आप देख सकते हो, तो अभी यहाँ पे ऑयल तो कहीं दिख नहीं रहा है बेबी। तो अभी भी मेरे हिसाब से अभी वो भी ऑयल और डलेगा इसमें, क्योंकि अभी इस लेवल पे जो है ऑयल आया नहीं है, तो इस पे भी हम और ऑयल को फिल करेंगे। ठीक है, ऑयल फिल करते समय ध्यान रखें कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और ना ज्यादा होना चाहिए। एक जितना इसमें लिखा गया उतना होना चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। तो एक्चुअलिटी में क्या है कि 1 लीटर का मुझे मिला नहीं, तो मैंने 1.2 लीटर का ये ले लिया था। अगर 1 लीटर का अगर मार्केट में मिलता है तो बेस्ट होता है, कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई थिंक सो, मेरे हिसाब से अब शायद हो गया हो। तो लेट्स सी, एक बार और चेक कर लेते हैं हम। ये हिल गया, इसको हिलना नहीं है, इसको सीधे आराम से रखना है ताकि लेवल बराबर पता चले हमें। और ये हमारा पूरा हो चुका है टाइट, इसको हम वापस ओपन करेंगे। अब देखते हैं हमारा लेवल आया है या नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो लेवल जो है आ चुका है, बट अभी लेवल नीचे की तरफ है। अभी हमें इसमें ऑयल और पुट करना होगा, तो फटाफट फटाफट हम थोड़ा सा और फील कर लेते हैं। एक्चुअल में 2.2 लीटर, 200 ml कितना होगा यार, 200 ml निकाल के रखना पड़ता है इसमें। आई थिंक सो यार, अब 200 ml तो इसमें बचा ही होगा। सो लेट्स सी, एक बार और चेक कर लेते हैं। ये गाड़ी का मैं कवर हो नीचे से, यहाँ नीचे से फैल जाएगा, थोड़ा और बचा के रखना, बना ना सारा और घंटे से बच जाए। ठीक है, थोड़ा बड़ा बचा के रखना, बना जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है लेवल पूरा आ चुका है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से जो है आप भी फिल कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको लेवल दिख रहा होगा, यहाँ पे लेवल हमारा पूरा आ चुका है। अब इसमें ऑयल फिल करने की कोई हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो हमारा ऑयल है वो पूरा आ चुका है। और सो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना आसान तरीका था, जहां पे जो है आपने देखा आज अपाची RTR 160 पे जो हमने गियर जो इंजन ऑयल है वो हमने फिलिंग किया। कितना आसान तरीके से जो है आप घर पे भी फिलिंग कर सकते हैं, और अपना टाइम भी बचा सकते हैं, और अपने अनुसार जो है गाड़ी पे ऑयल का कंडीशन देख के भी फिल कर सकते हैं, या अपने मनपसंद के अनुसार, या 3000 6000 किलोमीटर का जो भी आपको ऑयल चाहिए होता है वो ऑयल ला के आप फिलिंग कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अक्सर आपको बोला कि 6000 लीटर का मैं आपके पास ऑयल डाल देता हूँ, बट अगर वो 2000 का डाल देता है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको मिसकम्युनिकेट हो और आपसे पैसा भी वसूल कर लिया जाए। तो इस चीज से बचने के लिए आप बेस्ट ये होगा कि आप घर पे फिलिंग के लिए
आराम से, बहुत ही इजी प्रोसेस है। बस आपको दो चीज खरीदना होगा, एक स्पैनर जो रिंग स्पैनर बोलते हैं वो आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है 60 से 70 रुपए के बीच में, एक स्क्रू ड्राइवर होने चाहिए, और बाकी आप मोबिल ऑयल जो है आप परचेस कर सकते हैं, एजेंसी से भी परचेस कर सकते हैं या कोई होलसेलर से भी आप परचेस कर सकते हैं, और घर पे इजिली आप उसको फील कर सकते हैं। तो दोस्त यही था एक छोटा सा वीडियो, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीख मिला हो या अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। चलिए यहाँ पे वीडियो को ही एंड करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट।